हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर छोटा सा यूट्यूब चैनल फेक ब्लॉगर विजय। तो इस बार जो हम लोग वीडियो लेके आए हैं वो काफ़ी लंबा गैप हो गया उसके बाद लेके आ रहे हैं थैंक्स टू कोविड। तो इससे पहले जो हमने वीडियो निकाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के 6,000 सब्सक्राइबर्स जो थे वो हमने टच किए थे, और ये जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट हम लोग 7.5 के टच करने वाले हैं। इतनी बड़ी बात नहीं होगी बड़े यूट्यूबर्स के लिए, बट हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। 1,000 जो होता है वो काफ़ी काउंट करता है। तो इस बार हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं वो एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, और ये इन्फॉर्मेशन है हमारी नई किया सोनेट के बारे में जो हमने अभी करीब 1.5 महीने पहले ही खरीदी है। तो मैं सब कुछ बताऊँगा इसके बारे में, और इस पिछले 1.5 महीने में जो मैंने करीब 2,500 किलोमीटर के आसपास ये कार चलाई है तो उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैंने इतनी बड़ी चीज़ ली है, इतनी महंगी चीज़, तो ऑब्वियसली रिसर्च करके ही ली होगी, तो ज़्यादातर चीज़ें अच्छी लगी होंगी इसलिए ली है, बट इसके बाद भी जो चीज़ें इसमें कमी रह गई वो मैं आपके साथ वीडियो के एंड में ज़रूर डिस्कस करूंगा कि अगर वो चीज़ें होती तो ये कार शायद परफेक्ट हो जाती। बट परफेक्ट से मुझे याद आया कि एक चीज़ आपको बता दूँ कि परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे कार हो या कुछ भी, क्योंकि अगर आप कुछ फीचर्स के लिए कोई महंगी कार लेते हो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर रहे होते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए एकदम सुपर पावरफुल हैवी कार, तो आप अगर ऐसी कार लेते हो तो आप उसमें भी कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल आप माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो, और कार की मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो, कार की खुद की कॉस्ट में भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तब जाके वैसी कार आती है। तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, बट उसके बाद भी इसमें क्या मुझे लगता है कि छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो अगर होती तो शायद ये परफेक्ट की तरफ अच्छे से जा सकती है वाली कार, तो वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी कहीं रुकते हैं, फिर आपसे आराम से खड़े होकर बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं कहानी की शुरुआत में, जहां हमने 1.5 महीने पहले किया इंडिया की ऑनलाइन वेबसाइट से ये कार ऑर्डर की थी 25,000 का बुकिंग अमाउंट पे करके। और ये बुकिंग अमाउंट पे करने के बाद हम गए साहिबाबाद के किया के ASB शोरूम में, और वहाँ से हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ सब जाके, पहली बार कार हमने वहीं जाके देखी बुकिंग करने के बाद, और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की। और इसका वेटिंग पीरियड उस टाइम चल रहा था लगभग 6 महीने के आसपास, और लेकिन हमें जो ये कार मिली वो मिली सेवन्थ डे, मतलब बुकिंग के 7th डे ये कार हमारे पास थी। अब वो कैसे मिली इस बारे में मैं आपको कभी बाद में बताऊँगा। और फिर हम लोग जैसे आम आदमी सोचता है, जो वेरियंट सोचता है उससे 1-2 लेवल ऊपर ही जाके लेता है, तो जो हम लोग सोच के गए थे तो वो हम लोगों ने भी नहीं ली, क्योंकि वहाँ जाके जब देखा तो लगा कि चलो 1.5 लाख रुपये ज़्यादा ही सही लगाते हैं, बट इसका टॉप मॉडल लेते हैं। तो ये जो हमारी किया सोनेट है वो है किया सोनेट GTX प्लस पेट्रोल वर्जन 7 DCT, मतलब ऑटोमेटिक गियर है ये हमारी कार। तो हम लोगों ने ये फिर जाके फाइनल की। तो ये इस कार का जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ा वो पड़ा है लगभग 15,26,000 रुपये के आसपास, और इस 15,26,000 रुपये में इंक्लूडेड है एक्सटेंडेड वारंटी टिल 5 ईयर्स, जिसमें RSA भी 5 ईयर्स का मिल जाएगा आपको, और इसमें 20,000 की जो है वो एसेसरीज़ हैं जो हमने किया से ही ली है। तो ये सब लेके 15,26,000 रुपये की ये हमें कार पड़ी है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि किया इंडिया ने अपना एक न्यू लोगो निकाला, मतलब पहले जो किया कार्स आती थी उसमें जो लोगो होता था बाद में उन्होंने चेंज किया, ये करीब 1-1.5 महीने पहले की ही बात है, करीब 2 महीने पहले की बात होगी। तो उस वजह से जो डिले था डिलीवरी का वो उस वजह से भी थोड़ा बढ़ गया था। तो ये जो हमारी कार है वो है न्यू लोगो वाली। तो न्यू लोगो में कुछ सिंपल सी चीज़ें जो हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, और कुछ बड़ी चीज़ें भी चेंज हुई हैं। तो इस कार में जो बड़ी चीज़ चेंज हुई है वो है इसमें पेडल शिफ्टर्स इंक्लूड हुए हैं, और न्यू लोगो के साथ जब ये कार आई तो जो ओल्ड लोगो वाली कार थी उससे अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के आसपास जो था वो इसका कॉस्ट बढ़ गया, बट ये है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं तो इट्स वर्थ इट। तो अब मैं इस कार के बेसिक स्पेसिफिकेशन से आपको फटाफट रूबरू करा देता हूँ। ये है 998 cc का 1 लीटर टर्बो चार्ज 3 सिलेंडर इंजन जो मैक्स पावर देता है 118 bhp एट 4000 rpm, एंड मैक्स टॉर्क देता है 172 Nm एट 1500 to 4000 rpm। इसकी लेंथ है 3995 mm, विथ है 1790 mm, एंड हाइट है 1642 mm। बूट स्पेस है 392 liters का, विच इज़ बेस्ट विद इन इट्स राइवल्स। ग्राउंड क्लियरेंस इज 205 mm, विच इज़ सेकेंड बेस्ट विद इन इट्स राइवल्स जस्ट आफ्टर नेक्सॉन। टैंक इज 45 लीटर्स।
अब बात करते हैं रेयर सीट स्पेस की। तो एक बात बताऊं आपको कि ये जो कार है, जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट की कार है जो वो मैक्सिमम 4 मीटर ही लंबी रह सकती है, 4 मीटर से कम ही रखनी होती है। तो उस लेंथ के अंदर ही आपको सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं, चाहे आप बूट स्पेस ज़्यादा ले लो, तो चाहे आप रेयर सीट का नी रूम ज़्यादा ले लो। तो क्योंकि आप देखो नी रूम इतना भी कम नहीं है कि आपको बैठने में इतनी दिक्कत होगी, घुटने बाहर आगे जाके सीट में टच हो रहे हैं, फिर चाहे आपका 6 फुट का बंदा भी हो, 6 फुट से आगे का अगर बंदा है ड्राइवर और पीछे वाला पैसेंजर भी, तो दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप इतने ज़्यादा हाइट के हो तो मेरे ख्याल से आप गलत सेगमेंट देख रहे हो, 2 सेगमेंट आपको छोड़ ही देना चाहिए, इससे बड़ी कारों में आपको जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर 3 लोग बैठते हैं, बट मैंने खुद बैठा के चलाई हुई है, लॉन्ग ड्राइव भी की हुई है, पीछे 3 लोग आराम से बैठ के जाते हैं और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप पीछे वाली जो सीट है उसके नी रूम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हो बूट स्पेस के साथ, तो आप इंसान तो बैठा लोगे लेकिन आप सामान कहाँ पर रखने वाले हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो प्रेफरेंस थी वो थी कि सामान मेरा सारा आ जाना चाहिए, कि सामान अगर सारा बड़े बैग पीछे आ गए तो बीच वाली सीट में बैठने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल चीज़ ये है, मे भी थोड़ा बहुत कि अगर 6 फुट से ऊपर के बंदे ड्राइवर भी है तो उसको सीट पीछे करनी पड़ेगी बहुत, और उसके पीछे भी अगर 6 फुट का बंदा बैठा होगा तो मे भी घुटने इतना ही दूर रह जाए बट टच तब भी नहीं होंगे। वरना फिर अगर ये होगा कि आपको नी रूम ज़्यादा चाहिए तो बूट स्पेस, जैसे कई कारों का बूट स्पेस जो है वो कम है लेकिन नी रूम ज़्यादा, तो उसमें क्या है कि आप सामान तो नहीं रख पाओगे पीछे पूरा, मे बी 2 बड़े सूटकेस ही आ पाएँ, तो उसके बाद आपको जब बंदा बैठेगा पीछे तो आपको एक सीट पर आपको अपना बैग रखना ही पड़ेगा, तब भी आप क्या देखोगे कि 2 लोग ही पीछे बैठ पा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। तो इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफर साइड है, जो कि आप लोगों को पता होगा, कई वीडियोज़ में बताया जा चुका है। तो उससे क्या होता है कि जब आप हाईवे पर जा रहे हो तो अच्छी खासी स्पीड पर जा रहे हो तो कार को काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है। अगर ये सस्पेंशन सॉफ्ट होगा तो जब आप स्पीड पर कार चलाओगे तो कार ऐसे ऐसे मूव होती है, जो इसके साथ ऐसी दिक्कत नहीं है, तो स्टेबिलिटी मिलती है, ये एक अच्छी बात है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है उस पर आप भरोसा कर सकते हो क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो स्टिफ है, लेकिन अगर सॉफ्ट सस्पेंशन होगा तो आप जैसे ही 5 लोग 4 लोग उसमें बैठोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम हो जाता है, जिसमें आपको फिर वही दिक्कत। तो अब उस सस्पेंशन से दिक्कत क्या आती है, वो ये है कि जब आप सिटी में चलते हो स्पीड ब्रेकर आते हैं अच्छे खासे मोटे वाले जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तब आपको गाड़ी थोड़ी आराम से निकालनी होगी ये वाली, बट मेरे ख्याल से तो आपको सारी गाड़ियां ही आराम से निकालनी पड़ेंगी। हाँ, पर ये है कि थोड़े से जर्क में भी ज़्यादा अंदर फील हो, बट ओवरऑल जो मैंने जो फील किया है कम्फर्टेबल है, इतना कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या है, पत्थर आया क्या आया वो, हर गाड़ी, कोई गाड़ी ऐसी नहीं बनी है कि आप पत्थरों पर खराब रास्तों पर निकाल दो और अंदर कुछ पता भी ना चले इंसान को। अब बात कर लेते हैं इसकी माइलेज की। तो जो कंपनी बोलती है वो बोलती है 18.3 किलोमीटर पर लीटर, बट जैसा सबका मानना है, जैसा पहले से ही हमेशा रहा है कि जितना कंपनी बोलती है उतना हमें नहीं मिलता है, तो उस केस में ये गाड़ी भी फिट होती है। बट फिर अगर आप ये कहोगे 18.3 बोल रही है तो मे बी 12-13 ही मिलेगा, हाईवे वगैरह में 14 मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें माइलेज के मामले में ये गाड़ी डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद इसको 700 किलोमीटर की ड्राइव में नोएडा से इलाहाबाद गया था, तो इसमें जो मुझे ओवरऑल ट्रिप का जो माइलेज मिला था वो था 17.3, विच इज़ वेरी गुड। इस ट्रिप में मैं आपको बता दूँ 500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था और जो नॉर्मल हाईवे था वो करीब 200 किलोमीटर का था, और एक्सप्रेसवे पे मैंने मोस्टली क्रूज़ कंट्रोल पर ही चलाई थी गाड़ी, 100 के क्रूज़ पर चलाई थी गाड़ी। तो एक अगर यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करते हो तो आपको माइलेज सबसे बढ़िया मिलता है, और बल्कि कंपनी ये बोलती है कि अगर आप 80 की स्पीड मेंटेन करते हो यूनिफॉर्म, और वो भी 6th गियर में, तो आप सबसे बढ़िया माइलेज वो पा सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फीचर्स, और इससे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर के फीचर्स। तो चलिए फटाफट चलते हैं कार के अंदर। तो अंदर आते ही जिस चीज़ पर सबसे पहली नज़र पड़ती है वो है इसका 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, विच इज़ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट विद इन इट्स राइवल्स। 3 स्क्रीन्स पैरेलली दिखती हैं इसमें, और टच स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिव है। कार की तमाम सेटिंग्स यहीं इंफोटेनमेंट से ही कंट्रोल हो जाती हैं, जैसे कि वाइपर एंड इंडिकेटर ब्लिंक जैसे सेटिंग्स। और ये है इसका बिल्ट इन मैप, जो कि हमारे गूगल मैप से काफ़ी डिफरेंट है, और जो 3D बिल्डिंग्स वगैरह भी दिखाता है। लुक्स गुड एंड काफ़ी हद तक एक्यूरेट भी है। ब्लूटूथ से तो मोबाइल्स कनेक्ट होते ही हैं, बट इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी है। मेरे पास एंड्रॉयड है तो मैंने उसको यूज़ किया है। प्ले परम सुंदरी। श्योर आस्किंग गाना टू प्ले परम सुंदरी। इसमें आते हैं बोस के स्पीकर्स, जो कि ज़बरदस्त हैं और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा कर देते हैं। उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं ये साउंड मूड लाइट्स, जो कि आपके म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ब्लिंक होती रहती हैं, और इनका कलर आप इंफोटेनमेंट से सेट कर सकते हो। इसमें आता है वायरलेस चार्जर भी, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि वायर का झंझट ख़त्म। इसमें आता है यूवो कनेक्ट, जिसकी मदद से आप इसमें कई तरह के वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। हेलो किया, प्लीज ओपन सनरूफ। ओपनिंग द सनरूफ।
एक ज़बरदस्त फीचर आता है इसमें, वेंटिलेटेड सीट्स। आगे के दोनों सीट में ये फीचर होता है और इससे आपकी पीठ पर ठंडी ठंडी एसी की हवा लगती रहती है, जो कि स्पेशली गर्मी में बहुत मददगार होगा जबकि गाड़ी लॉन्ग ड्राइव करने पर पीठ पसीने से पूरी गीली हो जाती है। एक और सॉलिड फीचर है जो कि पीछे की दोनों सीट्स के लिए है, इनबिल्ट कर्टेन्स। इन्हें आप इस तरह से लगा और हटा सकते हो और इनको संभालने का भी झंझट अब ख़त्म। इसमें वन टच इंडिकेटर आता है जो आपको लेन चेंजिंग में मदद देता है। इंडिकेटर वाले लीवर से हल्का सा पुश करने पर 5 बार इंडिकेटर ब्लिंक होकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। नंबर ऑफ ब्लिंक्स आप इंफोटेनमेंट से सेट कर सकते हो। अब स्टीयरिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये जो बटन है वो आपके मोड्स चेंज करने के ऑप्शन देता है वाइल ड्राइविंग। फर्स्ट मोड इज़ ट्रिप इन्फॉर्मेशन, सेकेंड इज़ द TPMS एंड थर्ड वन इज़ द नेविगेशन। ट्रिप मोड में आप अपना ट्रिप इन्फॉर्मेशन और माइलेज वगैरह देख सकते हो। TPMS मोड में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हो। आपको बार बार कार से उतर कर टायर प्रेशर देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और यहीं बैठे बैठे आप देख सकते हो कि आपके टायर में प्रेशर है जो वो ठीक है कि नहीं। और लास्ट मोड नेविगेशन का है। ये तब काम आता है जब आपने इसके मैप में कोई डेस्टिनेशन सेट किया होता है, तो ये टर्न बाय टर्न आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने का गाइडेंस देता है। ये बटन है मीडिया मोड चेंज करने के लिए, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस यूज़ करनी है या FM वगैरह। ये उसका वॉल्यूम कंट्रोल है एंड येस एंड दिस इज़ द नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन। वहीं स्टीयरिंग पर दूसरी तरफ है क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स। बहुत काम की चीज़ है ये लॉन्ग ड्राइव पर, जब आपको कई किलोमीटर सीधे गाड़ी चलानी होती है। फिर आते हैं ये दो बटन्स, ड्राइव मोड एंड ट्रैक्शन मोड। ड्राइव मोड में 3 मोड्स हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इको मोड में स्टीयरिंग बहुत लाइट हो जाती है और माइलेज सबसे अच्छा, बट पावर कम फील होती है। नॉर्मल मोड में सब कुछ ज़्यादा है, देन स्पोर्ट मोड में सबसे ज़्यादा पावर फील होती है बट माइलेज थोड़ा कम रहेगा, और स्टीयरिंग हैवी फील होती है जो कि बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करती है। ट्रैक्शन मोड में आपके पास ऑप्शन होते हैं स्नो, मड एंड सैंड। इसका जो रियर कैमरा है उसको आप ना सिर्फ रिवर्स गियर के टाइम बल्कि नॉर्मल ड्राइव में भी चालू करके देख सकते हो। आपके पीछे का एक वाइड एंगल व्यू आपको स्क्रीन पर मिलेगा। इस बटन से आप अपने हेडलाइट्स एडजस्ट कर सकते हो, आप थोड़ा उसकी हाइट बढ़ा सकते हो, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा और बेटर विजिबिलिटी मिल सकती है आपको ड्यूरिंग नाइट। ये सब के अलावा इसमें हैं ये दोनों आर्म रेस्ट, ऑटो डिमिंग IRVMs, जिसकी ये ऑटो डिमिंग वाला फीचर रात में बहुत काम आता है। ये है ORVM और ये हैं उनके एडजस्टमेंट बटन। इनको आप बंद भी कर सकते हो इन केस कोई बहुत क्राउडेड एरिया है और इनके टकराने का डर हो। ये है सनग्लास होल्डर, ये है सनरूफ, हमारी प्यारी सनरूफ। और एक और बड़ी चीज़ है ये एयर प्योरीफायर। कई लोगों का मानना है कि ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए तो नहीं बट जिनको पता है कि प्योर एयर की क्या वैल्यू है और पोल्यूशन से क्या नुकसान है, उनके लिए काफ़ी अच्छा एडिशन है ये कार के अंदर। इसके अलावा इसमें हैं 6 एयरबैग्स और ये सारे चार्जिंग पोर्ट्स। AC काफ़ी अच्छा है और रेयर वेंट भी है AC में, जो पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए बड़े काम की चीज़ है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक गियर की। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्लच पैडल नहीं है, जिससे आपके लेफ्ट पैर को बहुत आराम मिलता है और बहुत बड़ा सरदर्द ख़त्म हो जाता है वाइल्ड ड्राइविंग। ये कार कभी भी आप 0 स्पीड पर लेके जा सकते हो, ये बंद नहीं होगी। इसमें अंदर ही इलेक्ट्रॉनिकली गियर शिफ्टिंग होती है, जिसको DCT या ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन बोलते हैं, क्योंकि किसी भी स्पीड पर ये करंट के साथ नेक्स्ट गियर को भी एंगेज करके रखता है, जिससे जब शिफ्टिंग होती है तो आपको फील ही नहीं होता कि गियर चेंज हो गए हैं। ये है इसका गियर, PRND मोड्स। P इज़ फॉर पार्किंग, गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको इसी मोड में डालना पड़ेगा। R इज़ फॉर रिवर्स, N इज़ फॉर न्यूट्रल एंड D इज़ फॉर ड्राइव। अब एक और धमाकेदार चीज़, ये प्लस माइनस देख रहे हो ना, तो D मोड में डालने के बाद अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हो तो ये मैनुअल मोड में आ जाती है, क्लचलेस मैनुअल एक्चुअली। कार चलाते टाइम आगे शिफ्ट करने पर गियर अप और नीचे गियर डाउन। अब एक और धमाकेदार चीज़, पेडल शिफ्टर्स। अगर आपको मैनुअल में डालने के बाद बार बार गियर लीवर से चेंज करने का मन नहीं है, तो आप इन बटन्स का यूज़ करके गियर चेंज कर सकते हो, ये प्लस ये माइनस। इसमें हमें मिलते हैं ये अलॉय व्हील्स, बहुत बड़ा बूट स्पेस जिसमें रखा होता है हमारा स्पेयर व्हील जो कि 15 इंच का होता है। वैसे कार के बाकी 4 टायर 16 इंच के दिए हुए हैं। इस कार का इंसुलेशन इतना अच्छा है कि एकदम शांति बनी रहती है कार के अंदर। और अब फटाफट बात कर लेते हैं की की। तो की में ये बटन आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला है लॉक बटन, उसके नीचे अनलॉक, उसके नीचे होल्ड और उसके नीचे चिप बूट ओपन करने का। तो अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये लॉक हो जाएगी कार, और ये दूसरे बटन को दबाने के बाद अनलॉक हो जाएगी। अब मैं इसको फिर से लॉक करता हूँ और मैं तीसरा बटन अगर होल्ड करके रखूँगा तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। वापस से होल्ड करूँगा तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी।
अब ये आप जो आवाज़ सुन रहे हो, जो अलर्ट है गाड़ी अनलॉक और लॉक होने का, अगर आप कभी रात में निकलना चाहते हो और चाहते हो कि इस आवाज़ से किसी को डिस्टर्ब ना हो, तो एक ट्रिक है, ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, बट ये ट्रिक है कि आप अगर ये ऊपर के दोनों बटन एक साथ 4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हो, होल्ड करते हो, तो यहाँ पर 4 बार आपकी लाइट ब्लिंक होगी और उसके बाद गाड़ी साइलेंट मोड में चली जाएगी। उसके बाद आप कभी भी लॉक अनलॉक करोगे तो वो आवाज़ नहीं करेगी। और वापस से आवाज़ वापस लाने के लिए सेम चीज़, वापस से उन दोनों बटन को 4 सेकंड तक दबा के रखिए, वापस आवाज़ आ जाएगी। इसमें दो और सेफ्टी फीचर हैं, वो है इसका ESC और HSA। तो ESC जो है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन कंट्रोल। तो अगर ESC आपके कार में होता है तो जैसे ही आप शार्प टर्न्स लेते हो या हेयरपिन बेंड्स लेते हो स्पीड में, तो आपकी कार को वो स्टेबल रखता है। कई बार होता है कि कार डिसबैलेंस हो जाती है, तो ESC काफ़ी हद तक आपकी कार को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। जो दूसरा फीचर है वो है HSA। HSA का मतलब है हिल स्टार्ट असिस्ट। तो अगर आप पहाड़ों पर जाते हो, ऐसा चढ़ी हुई रोड है और आपको किसी वजह से गाड़ी रोकनी पड़ जाती है या जीरो स्पीड पर लानी पड़ जाती है, उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको ब्रेक छोड़ के वापस एक्सेलेटर प्रेस करने के टाइम पर कार जो है वो आपके पीछे जाने लगती है, जो कई बार खतरनाक हो सकती है। या तो फिर आप उसमें मेहनत करो हैंड ब्रेक वगैरह लगा के ये शिफ्ट करने की। पर ये जो HSA फीचर होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप ब्रेक पेडल छोड़ भी दो तो 7 सेकंड तक ये कार उसी जगह पर रुकी रहती है, और 7 सेकंड मेरे ख्याल से सफिशेंट टाइम है कि आप एक्सेलेटर प्रेस करके आगे जा सकते हो। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फीचर है जो इस कार में आता है। अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की ओर। तो जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका मैप। मैप अच्छा है बट गूगल मैप जितना अच्छा नहीं है। कई बार मैंने देखा कि गूगल मैप सेम डेस्टिनेशन को 4 घंटे में बता रहा होता है, तो वहीं ये 5 घंटे दिखाता है, बट ड्यूरिंग द जर्नी उसको एडजस्ट कर लेता है। दूसरी बात, इसमें लोकेशन सर्च करने में काफ़ी दिक्कत होती है। आप केवल मेजर प्लेसेस ही कार के थ्रू सर्च कर पाओगे, बट उसका भी एक सलूशन है, यूवो ऐप। आप एक बार गूगल मैप पर सर्च कर लो लोकेशन, देन कोऑर्डिनेट कॉपी करके यूवो पर सर्च करो उस कोऑर्डिनेट को, और वो लोकेशन आप डायरेक्टली अपनी कार को यूवो ऐप के थ्रू भेज सकते हो। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, एंड्रॉयड ऑटो। इस कार में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो नहीं आता, बल्कि इससे नीचे के सारे वेरिएंट्स में वायरलेस आता है। यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के लिए हमें केबल कनेक्ट करनी पड़ती है। अगला नेगेटिव, ब्रेक्स। ये इतनी कॉस्टली होने के बाद भी चारों ब्रेक्स जो हैं वो डिस्क ब्रेक नहीं हैं। 2 आगे के ब्रेक जो हैं वो डिस्क ब्रेक हैं और 2 पीछे वाले जो हैं वो ड्रम ब्रेक हैं। अब इतना खर्चा करने के बाद एटलीस्ट 4 डिस्क ब्रेक होने चाहिए थे इस कार में। नेक्स्ट, ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स जो है वो कूल्ड नहीं है। कूल्ड का मतलब जैसे बाकी अब आजकल लगभग सारी कार्स में आ रहा है, ग्लव बॉक्स ठंडा रहता है, उसमें आप चॉकलेट या कुछ भी चीज़ पीने के लिए रख सकते हो, उसमें ठंडी रहती है। नेक्स्ट है इसके डोर बटन्स, दे आर नॉट लिट। मतलब अगर कार के अंदर अंधेरा है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि बटन कहाँ है। ड्राइवर डोर पर भी सिर्फ एक ही बटन लिट है, उसकी खुद की विंडो का। मुझे खुद भी कई बार इससे दिक्कत हुई, जब एकदम से किसी ने बोला कि डोर अनलॉक कर दो तो मुझे ढूंढना पड़ा कि अनलॉक का बटन है कौन सा। नेक्स्ट इज आर्म रेस्ट का स्पेस, ये थोड़ा और बड़ा हो सकता था। आई अंडरस्टैंड कि एयर प्योरीफायर यूनिट की वजह से इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, बट अगर थोड़ा बड़ा होता तो और मज़ा आता। नेक्स्ट इज यूवो सर्विस। पहले तो ये कि यूवो का सब्सक्रिप्शन हम लोगों को सिर्फ 3 साल का ही मिला होता है पहले। मुझे नहीं पता कि एक्सपायर होने के बाद कितना खर्चा आएगा रिन्यू कराने के लिए। दूसरा, कई बार इसमें सर्विस नॉट अवेलेबल का इशू आता रहता है, विच इज़ नॉट गुड। वॉइस कमांड में भी ये एरर आता है कभी कभी। एक और बहुत छोटी सी चीज़ है इसका डैशबोर्ड। इसका डैशबोर्ड फ्लैट नहीं है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सामान उस पर नहीं रख सकते हो। हालांकि ज़्यादा सामान रखना भी नहीं चाहिए हमें डैशबोर्ड पर, बट इसमें मैं टिश्यू पेपर का बॉक्स भी नहीं रख पाया। बट हाँ, ये जो स्टिकी मैट इसके साथ आती है उसकी मदद से आप मोबाइल वगैरह इसमें ईजिली रख सकते हो। तो ये था हमारा सारा इन्फॉर्मेशन किया सोनेट के बारे में। अगर आपको लगता है कि इसके किसी एक फीचर पर मुझे अलग से वीडियो बनाना है, आप देखना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि इसके क्रूज़ कंट्रोल और जैसे कुछ मेन फीचर्स जो हैं जिसको अच्छे से कवर करना चाहिए, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, जल्दी ही ये गाड़ी आपको पहाड़ों पर भी दिखेगी मेरी अगली ट्रिप्स में। मे बी मैं कुछ महीने बाद जब मैं ट्रिप में जाऊंगा तो ये गाड़ी जाएगी वहाँ पर, तो वहाँ पहाड़ पर इसका कैसा परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।